अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है सैटरडे और दो बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी और दो को जो था आज उनका कुछ समर कैंप लगा ले या टेस्ट था, उनका ग्रैंड टेस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने आज उनको ऑफ नहीं दिया। तो फलक ने उनके ना उसको मतलब छोटी आयत को रेडी करके तो स्कूल भेज दिया था और मैं सोई अभी उठी हूँ और टाइम हो गया है 11:30 और अब है मेरे नाश्ते का टाइम। तो आज मेरा मूड है कुछ ना पराठा चाय और साथ अचार अंडा वगैरह बना लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पराठा बना लेती हूँ और साथ में चाय चढ़ा लेती हूँ। ठीक है, तो ये रहा, मैंने चाय का पानी रख दिया। तो यहाँ पे आप पानी चढ़ाते हैं चाय के लिए। सल मैंने बैंगन बनाए थे तो आज मेरा वो दिल नहीं कर रहा है। अब फ्रिज में से जो है अंडा वगैरह निकाल दे, तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर इसमें चाय और चीनी वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे अंडा भी एक ही रह गया, बाकी देख लेंगे फ्रिज कितनी साफ सुथरी है। ठीक है, एक ही अंडा रह गया और उसको आज फ्रिश करते हैं, फिर और मंगवाएंगे। और ये जैतून का तेल है जो कि मोहसिन यूज़ करते हैं, ये मैंने मंगवाया था सऊदीया से, तो इसको फ्रिज में रख देते हैं यहाँ पे। तो अक्सर मोहसिन को ना मैं इसका जैतून के तेल का पराठा वगैरह बना के देती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है जेंट्स के लिए। जैतून का तेल तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं मोहसिन के लिए जैतून का तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अभी मैं अपने लिए चाय बना लूँ, अंडा बना लूँ, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट। बस यहाँ पे अब चाय बन रही है और इस साइड पे अंडा बन रहा है, अब खाना जो है वो जल्दी से रेडी होने वाला है। ले जी, चाय भी हमारी जो है बन गई है, इसको भी 3-4 बॉयल आ चुके हैं। ठीक है, अभी आपने किचन पे नहीं जाना, थोड़ा सा गंदा है क्योंकि अभी मेरी जो हेल्पर है ना वो नहीं आई और मैं सोई भी अभी उठी हूँ। बस अभी नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद सारा घर क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। चलो, चाय बन गई है, इसको निकाल लेते हैं। वैसे मुझे चाय को खास पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आज दिल करें। तो जी यहाँ पे मैं अचार थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो भी साथ, ये लसूड़े का अचार है, ये मेरा पराठा अंडा और ये मेरी चाय। तो अब फटाफट से जो है वो नाश्ता जो है वो करते हैं ताकि एनर्जी आए और फिर घर के काम करने, उसके बाद अम्मी की तरफ जाना है। मामू जो थे वो हॉस्पिटलाइज थे तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, उनका जो है वो जो है हार पूछने जाना है। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी फाइनली नाश्ता जो है वो मेरा कम्प्लीट हो चुका है और थोड़ी सी एनर्जी भी आ चुकी है, देखा, साथ ही मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो नाश्ता मेरा हो गया है, बस चाय रह गई है, थोड़ी सी चाय इंजॉय करती हूँ। और जो है पार्टी भी स्कूल से आ चुका है, इनको एक फ़ोन दे दो और बस इनकी ज़िंदगी जन्नत ही है। देखें, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो। और फला का एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं फ़ोन। चेक कंप्लीट करते हैं और फटाफट जो है अहमद ना चलाओ, ये टक टक ने तो जान खा लिया। अब चलते हैं चाय फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं अम्मी की तरफ, मामू की दिमादारी करनी है क्योंकि उनका ना थोड़ा मसला बना हुआ था जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज थे। तो अब भाई कह रहे हैं कि वो घर आ गए, तो मामू की तरफ चलते हैं। फाइनली मैं अम्मी की तरफ आ चुकी हूँ और मामू भी यहाँ पर मौजूद हैं,
अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम अगेना। क्या हाल है? ठीक है। बस शुक्र है अल्लाह का। ठीक है ठीक है। हाँ क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने की कहना है, घर जा दवाई खा। नाली लगा दी है? हाँ। इसमें ब्लड आ रहा है मामू? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, मसा नहीं आ रहा, एक परसेंट नहीं आ रहा। चलो दवाई शवाई खाई है? हाँ ठीक है। सुबह खाई? अब ठीक है। ना चुप हो गई है मामू। तो मैंने परसों की क्या है तो मैं तानू सारिया ने मार के मरना। नहीं मार, वो एक मजाक है। मजाक से सही गल। अल्लाह तेन सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। ना ही जावे चंगी। ओ क्यों? जिंदगी च की धक्के खाने। हाँ भी है वे, जिन्नी घट होगी उन्ना जल्दी बंदा जन्नत च पहुंच जाएगा, उन्ने घट गुनाह होंगे। ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਲਾਡ ਪਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਦਾ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਦਾ ਲੱਭਾ, ਮਸਾਨਾ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੇ ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਕੁੜੱਪ ਕਰਦੇ, ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗਈ ਮਾਰ। ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਜੇ ਬਣ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਨਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਈ ਇੰਜਰੀ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਈ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮੂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਬੀ, ਕਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਲ ਕਾਮ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਮੂ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਮਨੇ ਖੈਰ ਖਬਰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਮਾਮੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ, ਬਸ ਉਨਕੋ ਨਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਜੈਸੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰਸ ਵੋ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਇਨਕੋ ਸਿਹਤ ਦੇ,
हमारे सर पे सलामत रखे। बड़े हैं जाहिर सी बात है, हंसी मजाक तो कर चलता रहता है बड़ों के साथ, और मामू भी के साथ ना हमारा कुछ लगा लें जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना ऐसे ही है, तो उनके साथ हंसी मजाक तो हमारा चलता ही रहता है। बहरहाल बीमारी एक अलहदा बात है। तू बोला मैं बाद चो बोलाँगी। हाँ बोलो बोलो बोलो, इसकी सुन लें पहले, ये इसको ज़्यादा इमरजेंसी कोई बात करनी है। मैं जब बोलने लगती हूँ ये बोलने लगता कवा। बोला बोला चला गया। अच्छा जी, तो कवा हजूर भी चले गए, मामू का भी हो गया, नाश्ता वगैरह भी हो गया, तो अब ब्लॉग लंबा हो रहा है तो इसको ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मामू के लिए ज़्यादा से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती दे। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।